मैं आज आग्रह करना चाहती हूँ आपके माध्यम से देश की पूरी जनता को अमेठी का एक दर्दनाक और घिनौना सच जनता के सामने आया एक निर्दोष गरीब राहुल गांधी जो ट्रस्टी हैं जिस अस्पताल के उस हॉस्पिटल में गए आयुष्मान भारत का कार्ड लेके उन्होंने मात्र यही गुहार लगाई कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया उसके चलते मेरा मुफ्त में आप उपचार करें उस व्यक्ति को अस्पताल ने यह कहा राहुल गांधी का अस्पताल है यहाँ पर मुफ्त उपचार आयुष्मान भारत का नहीं होगा वो व्यक्ति मर गया मैं चाहती हूँ देश समझे कि ये परिवार इतना घिनौना है कि एक निर्दोष को मौत के घाट भी उतारने को तैयार है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनकी राजनीति प्यारी है गरीब और मजलूम लोग नहीं प्रियंका जी जब भी प्रचार में आती हैं है मेठी वालों मेरा तो नाम नहीं जानती थी पांच साल पहले अब हर दिन मेरा ही नाम रटती हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है आप सोचिए मेरे मुंह से उनके मुंह से मेरा नाम और उनके पति का नाम कम निकलता है मेरा ज्यादा निकलता है लगातार जो प्रचार किया गया उसमें राजीव जी की याद दिलाई मैं की इतना की ही कहूंगी अगर यादें ताजा करनी है थे, 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 तो बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं कल ही की घटना देख लीजिए देखिए कैसे राहुल गांधी का हाथ सना है एक निर्दोष गरीब अमेठी वासी के खून से ये वो राहुल गांधी है जो अपने अस्पताल में एक निर्दोष गरीब को मार सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का आयुष्मान भारत कार्ड लेकर गया था उस व्यक्ति ने ये नहीं कहा था वो किसको वोट करेगा वो व्यक्ति सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था